आज मैं बात करने वाला हूँ न्यू एटीएम कार्ड कैसे एक्टिवेट करें, आपको एटीएम में जाके कैसे एक्टिवेट करना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को आप लोग पूरे देखते जाइए तभी जाके आपको पता चलेगा। चाहे आपके पास यूनाइटेड बैंक में अकाउंट है, चाहे आपके पास ओरिएंटल बैंक में अकाउंट है, चाहे आपके पास पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तीनों बैंक का न्यू एटीएम आएगा आपके पंजाब नेशनल बैंक की, दूसरा बैंक के एटीएम कार्ड नहीं आएगा। एटीएम में जाने से पहले आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखना है, आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं करा सकते। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्टिवेट कराने के लिए आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता देता हूँ इस किट के अंदर क्या क्या आया था। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस वाले लेटर में ओपन करके आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। इस वाले लेटर में आपके एड्रेस होता है, आपके कार्ड के लिमिट कितना लिमिट है, कितना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपके एड्रेस के साथ पूरे डिटेल्स में इसमें लिखा होता है। आपको देख लेना है आपके कार्ड के लिमिट कितना है, उसी हिसाब से आपको यूज करना है। और इसके साथ एटीएम कार्ड के कवर भी आपको मिल जाता है। एटीएम पर जाने से पहले आप लोगों को और एक चीज़ ध्यान रखना है, अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही मोबाइल भी आपको लेके जाना है, क्योंकि ओटीपी उसी में ही आएगा। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलता हूँ एटीएम पर। हम अभी एटीएम पे पहुँच गए, अब एटीएम के अंदर चलते हैं। पहले उसके बाद आपको क्या करना है, पहले एटीएम कार्ड पंच करना है इसमें। यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो क्रिएट चेंज पिन, आपको इसी के ऊपर ही क्लिक करना है, दूसरे में आपको क्लिक नहीं करना है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको करना है ओटीपी जेनरेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपके पास सक्सेसफुल भी दिखा सकता है और एरर भी आ सकता है, टेक्निकल एरर भी ऐसे आ सकता है। मेरे पास जैसे टेक्निकल एरर आ गया, यहाँ पर पूरे ब्लैंक हो गया, आपके पास भी ऐसे आ सकता है। उसका भी मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को बता दूंगा कैसे आपको करना है। अगर आपके पास सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पर ऊपर लिखा आएगा आपके मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर है उसी मोबाइल नंबर पे आपके पास ओटीपी भेज दिया है, वही ओटीपी आपको यहाँ पे यूज करना है। मैंने आप लोगों को बता देता हूँ मेरे पास एरर आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपको मोबाइल लेना है, वही मोबाइल लेना है आपको जो बैंक खाते में आपके रजिस्टर है, वही मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज करना है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको पहले क्या करना है, अपने मोबाइल को ऑन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैसेज बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाना है। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है न्यू मैसेज टाइप करने के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, पीएनबी के जो नंबर है, मैंने अभी नंबर बता रहा हूँ वही वाले नंबर आपको डाल देना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 560-7040, आपको भी यही टाइप करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैसेज में आपको लिखना है DCPIN। उसके बाद क्या करना है, आपको एक ही स्पेस देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने डेबिट कार्ड के जो 16 डिजिट नंबर है वही 16 डिजिट आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 16 डिजिट। अब यहाँ पे देख सकते हो, आपको भी ऐसे ही टाइप करना है, कोई गलती नहीं करना है, एक ही यहाँ पर बीच में स्पेस देना है। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड नंबर सही सही डाल देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरे में बैलेंस नहीं था, आपको क्या करना है, बैलेंस आपको अलग से डालने पड़ेगा। वो टॉक टाइम वाले आपको यहाँ पर नहीं चलेगा, टॉक टाइम बैलेंस है तो इसमें नहीं चलेगा, या आपके कॉलिंग बैलेंस है तो भी आपको यहाँ पर नहीं चलेगा। मैंने अभी 10 रुपया यहाँ पर रिचार्ज कर दिया, अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास चला गया। मैंने अभी दोबारा करके आप लोगों को दिखाया था, अब यहाँ पर देख सकते हो दोबारा भी मैसेज चला गया। अब यहाँ पर देख सकते हो जो 3 रुपया चार्जेस है इसका, यहाँ पर देख सकते हो हमारे मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास मैसेज आ गया, मैंने अभी 2 बार भेजा तो 2 बार मेरे पास मैसेज आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हो जो ओटीपी नंबर है 6 डिजिट का, आप यहां पे देख सकते हो इसका जो वैलिडिटी है 72 घंटे की, 72 घंटे के बाद अगर आप ट्राई करते हो तो फिर आपको दोबारा करने पड़ेगा, 3 रुपये दोबारा आपको भरने पड़ेगा। अगर आप पैसे यहां पर देने नहीं चाहते हो, आपको क्या करना है, एटीएम पर जाके करना है, नहीं तो मोबाइल पे आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा आपको एटीएम कार्ड पंच करना है। उसके बाद आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट चेंज पिन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ओटीपी वैलिडेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया वही वाले ओटीपी आपको यहां पर फिल करना है, वो भी आपको चेंज करना है।
मैं पहले ओटीपी डाल देता हूँ, 240974। उसके बाद क्या करना है आपको, यस में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो पिन चेंज प्लीज एंटर योर न्यू पिन। आपको यहाँ पर 4-डिजिट पिन अपने हिसाब से आपको चूज करना है। मैं पहले न्यू पिन डाल देता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, पिन चेंज प्लीज री इंटर पिन, न्यू पिन आपको दोबारा यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो पिन चेंज हमारे सक्सेसफुल यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है आपको, डेबिट कार्ड निकाल लेना है। डेबिट कार्ड निकालने के बाद अब मैं दिखा देता हूँ स्टेटमेंट निकाल के। अब एटीएम कार्ड मैंने डाल दिया यहाँ पर, प्लीज़ वेट, आपको थोड़ी देर वेट करना है। आपको क्या करना है, बैंकिंग इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंग्लिश में क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, मिनी स्टेटमेंट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी जो न्यू पिन बनाया था वही वाले न्यू पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पिन सक्सेसफुल हो गया, हमारे पर्ची निकाला गया। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट।